होता है मुझे। और उसके अंदर तेजी से आग लगाओ, आग लगाओ उसके अंदर। कपड़ा क्या चीज लिए थे? बाल औरत लेख गई, आदमी लेख गा, औरत लेख गई। इसके माँ के तरफ की, बाप के तरफ की, किधर की है? बाप के तरफ की। उसकी हाँ, और क्या बोल के करी थी, क्या मकसद से? चकड़ो सुनते पूरा काट दूंगा, काट दूंगा। नहीं, काट दूंगा। नाम नहीं मालूम मेरे को।
बताओ ये क्या मतलब, बताओ औरत को ना अभी तेरे दो टुकड़े कर दूंगा। औरत बोल तू। हाँ जल्दी बोलने तो अभी चीर दूंगा तुझे। तू उसका नाम जल्दी बता ना, उसका नाम, उसका नाम बता ना। जल्दी बता। लतीफ है। कहाँ रहती वो? वो भाई लतीफ। उसके साथ और कौन मिला ला है? वो भूले। हाँ? वो भूले उसके चाचा जीता है। नामा नामा। वो तो रूफ है। और? कयूम है। हाँ और? लतीफ है। हाँ। समझ गए। हाँ। उन्हें है और? हाँ कौन? उसका फूफा है। क्या क्या तकलीफ दे रहा था तू बच्ची को? क्या नाम है? क्या तकलीफ दे रहा था तू? गाने गाने दिया। और उसको मार देना जाने मार दो। उसके बाप को उसके भाइयों को क्या परेशान कर रहा था तू घर में? बहुत क्या कर रहा? बहुत उसको पैसा चुरा दिया। पैसा उड़ा दिया? पैसे किस क्या करा? पैसे तोड़ा दिया। पैसे तोड़ा दिया। और अब जान दूँ। खैर बरकत भी उड़ा दिया था उनके। पैसे किसी ने आन दे रहा था उनके घर में? कमाई में की बरकत उड़ा रहा था, कर्जे में डुबा रहा था, घर में किरकिरा लगा रहा था। और क्या कर रहा था? जल्दी बोलो तुम्हें काट दिया। जल्दी। हाँ हाँ बोलने तो अभी काट दूंगा तेजी के साथ में। जल्दी। हाँ किसी के साथ नहीं बैठने दूंगा। शादी भी नहीं करता की बच्ची की? हाँ उसको बहुत गाना देता हूँ। उसकी शादी होने वाली है उसको। हाँ यानी शादी के बाद भी तोड़ा देने वाला था कि पहले तोड़ाने वाला था? पहले तोड़ा देने वाला। क्या उसको कब मारने वाला मासी पूनम में? जल्दी उसको बहुत तबीयत खराब कर। जल्दी इतना जवाब ना कम बका। बहुत 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 खराब कर। हाँ क्या कराओ? बहुत तकलीफ दिया हूँ। सर में बढ़ते उसके बाप को क्या परेशान कर रहा था? उसके बाप के उंगलियां काट देता होता। क्यों सड़ा रहा उसके बाप के उंगलियां? बोले मेरे को करो बोल के। क्या बोले? करो बोले। क्या बोले? क्या करो? उसके घर में नाचे लोग बोले उंगलियां सड़ा दो, हम सब परेशान करो। मेरी जगह पे जा दो। जादूगर को कितने पैसे दिए थे बच्ची पे जादू चलाने को? बहुत पैसे दिए वो लोग। कितना? वहाँ पे कराए। कितना? वो बहुत 50-1 लाख तक दिए। अच्छा वारों वो पूरे मिलकर दिए। अच्छा वारों पे वारा चला रहे थे सब मिल गए। वहाँ पे नहीं रह सकते वो लोग। तू ये बच्ची को मार के इसके साथ में तू शादी करने वाला ले जाके रखने वाला था? शादी लगा के छोड़े उसके साथ में? हाँ तू इसके शरीर का खून भी पी रहा था क्या? इस वजह से सुखा दिया तूने उसको वैसा? जबान से बयान कर कमबख्त। क्या कर रहा था? उसका खून पी लिया, खाना खा लिया, हर चीज खा लिया। लास्ट में क्या करने वाला था? उसको मार के साथ में ले जाने वाला था क्या? अभी लेके जाने वाला तो या नहीं आ जाता तो? क्या? अभी लेके जाने वाला था। अच्छा लेके जाने वाला था? हाँ हफ्ते के दिन लेके जाने वाला था। कल के दिन? कैसा मारने वाला था उसको? उसको बॉडी में डालने वाला था। कल गिर जाने थे बॉडी पकड़ ली।
गिरा रहे थे, पकड़ ली। अच्छा, और गिरा रहा था वो। जल पिलायो। काहे के वास्ते पिलाया? मार देने के वास्ते। अच्छा, बहुत मनमाने चल रहे थे। इससे पहले कितने लोगों को मारा? नहीं मारो। हाँ? नहीं मारो। घर के बाजू वालों का इंतकाल होगा। बाजू वाला कस के हमारे घर के, उनका कस के इंतकाल होगा? वो मैं नहीं करा हूँ। वो कौन करा? वो उन्हें करा। कौन? उन्हें वो आने वाला करा। क्या बोल के करा? वो उन्हें ले लिया ना। क्या बोल के? वो जगह ले लिया ना। जगह लेने के बाद उसको मार दिया? मैं नहीं मारू उसको, नहीं मारू। कौन मारा उसको फिर? उसको उन्हें मारा। कौन? मारा उन्हें। कौन? उन्हें अंडे वाला। मारा। क्यों मारा उन्हें? उन्हें उसकी उसको लेना चाहता था उन्हें। निजाम को मोना बोला। क्या? निजाम मोना बोला। पापा का नाम है निजाम। निजाम क्या होना? निजाम को। हाँ। निजाम की भी जगह होना? नहीं। हाँ, क्या? निजाम को मारने वाला था उन्हें, उसको मार दिया। जगह में क्या है? खजाना है क्या? क्या है? खजाना है। पैसा है? क्या है? क्या है खजाने में? वहाँ वहाँ सोना है। सोना है? किस चीज में रखा हुआ है? भांडा है, कलसी है, हंडा है, क्या है? अंडा है। अंडा है। कौन से कोने में गाड़ी आवा है? वो वहाँ पे है। कहाँ पर? कौन से साइड में? सीधे साइड में। कितना खोदना पड़ता? बहुत। कितना? 200। सही बता। सही सही वो। जकड़ो उसको, जकड़ो उसको अंदर। तेज इसका जकड़ो उसको। जकड़ो उसको अंदर से। इसके घर से अभी तक तूने कितने लोगों को मारा? अभी बच्ची के बाद कितने लोगों को मारने वाला था? पूरे घर को। किस किस को? उसकी माँ को। उसकी माँ को मारने वाला था। माँ को कैसे मारने वाला था? उसकी माँ को सर फटा दे रहा था। क्या करने वाला था? सर फटा दे रहा। सर फाड़ के मारने वाला था। कैसे फाड़ने वाला था वो? वो उसकी नस फाड़ने वाला था। अच्छा, डायरेक्ट नस फाड़ के मारने वाला था। अच्छा, उसकी माँ के बाद किसको मारने वाला? ये बच्ची को। फिर इसके बाद? इसके बाद उसके भाई को, उसके बाप को, फिर उसकी बहन को। जिसको जैसा मौका मिला उसे मौके देख के मार रहा था मेरे को। मैं खुद इतने आया हूँ। अच्छा, इसके बाप को कैसे मारने वाला? तू क्या डाल के बीमारी? वो उंगलियां सड़ा दे के। अच्छा, भाई को कैसे मारने वाला है? उसको एक्सीडेंट से। अच्छा, एक बार एक्सीडेंट हुआ। अरे, हमले कर रहे थे उसके ऊपर? वो कर रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद में और किसको मारने वाला है? बहन को कैसे मारने वाला उसके? उसकी बहन को। उसकी बहन का हाथ काटने वाला था। सुसाइड करा के मारने वाला है। अच्छा, जादू जादू। और किसकी? और किसी को नहीं। चलो जकड़ो उसको ना, दिखा जकड़ो उसको। बता, ये बच्ची को कैसे मिला के खिलाए? क्या नाम है?
माया जब इनको कहे में मिला के खिलाए उसको केक में खिलाए में? केक में काय का केक था वो? वो बर्थडे का केक था। कितने साल पहले की बात है वो? वो अभी मैं था उससे पहले से बोले खिला भी उसके आंग में आया हूँ। अच्छा पहले से केक खिला रहे थे, पहले जादू टोना चल रहा था, फिर उसके बाप को कहे में खिलाए? उसके बाप को खाने में खिलाए। काय का खाना था वो? बाप को वहाँ पे खिलाए, लतीफ के घर को खिलाए। मैं जादू में। अच्छा उसके बहन को, उसके दूसरे भाई को, सब लोगों को, माँ को कहीं में खिलाए? सबको गाने में खिलाए। कहा उनके घर पे बुला खिलाएंगे? गाने सबको वहाँ पे खिलाए। किसके घर पे? उनके घर पे। कैसा बुलाए थे? यहाँ पे गिराए उसके घर पे, वो लोग यहाँ पे थे जब। अच्छा कितने पुरानी बात है वो? वो बहुत दिन पुरानी है। ठीक है चलो जबड़ लो सब नाला को, इनके सब जादू टोने को। अरे मास पूनम को जादू टोना कर रहे क्या? उन्हें छोड़ दिए करना अभी। वारों पे वारा चला रहे क्या? छोड़ दिए करना। नहीं कर रहे, चालू है। हरम मास पूनम को दुश्मनी क्या थी ये? घर वाले मर जाना। क्यों मरना? वजह? उसका बाप बहुत कमाता। तो उस वास्ते तो मार के क्या फायदा फिर? वो ले लेते। क्या लेने वाले थे? वो पूरा घर। खरी घर के वास्ते करे, प्रॉपर्टी के वास्ते कर रहे? बेगैरत तो शर्म नहीं आ रही तुम्हारे? नाला को काटू देखो अभी। तेरे साथ और कितने, तेरे साथ में और कितने शैतान है? मैं शमशान से उठाए, कब्रस्तान से उठाए? कब्रस्तान से। कौन से गांव के? अलीराबाद के। कौन से एरिया के? क्रांति नगर के। तेरा मरने से पहले क्या नाम था? नहीं मालूम। कितने साल हो रहे तुझे मर के? बहुत साल हो गए। महाराज अब तेरी उम्र कितनी थी? मेरे को क्या कर रहा तू? ऐसा लोगों के आंगों में घुस के बैठ के परेशान करता? चलो इसको काट के दो टुकड़े करेंगे। दो टुकड़े कहाँ से करूँ? गर्दन और मुंडी अलग करूँ क्या? बीच में से दो काट दूँगी? हाँ जादू खड़ा चीर दूँ तुझे? जादू। इसकी सांस रोक रोक के मारने की कोशिश कर रहा था तो। अरे हाँ झगड़ा कुत्ते जैसे ना आला आपको काटू तुझे अभी। आ गया बहुत तेरा बाप का राज। जादू चल तो बताओ अगर जल्दी ना दोनों जोर से मार मुझे जोर से तो बताओ बोल जाके चल भाग जल्दी भाग दोबारा चल भाग छोड़ उसको पानी ले पानी दो पानी ग्लास में डालो ग्लास में दिख रहा ग्लास में पानी दे दो क्या नाम है नाने मुझे दोबारा कम बखत मिलती काट टुकड़े टुकड़े करूंगा पूरे।
अरे क्या होगा, मैं जमीन उठो, अरे क्या होगा, एक पानी डालो इसमें पीने के वास्ते, कैमरा घुमाता नहीं घुमा, अरे क्या होगा, लो पानी पियो, इधर देखो ऊपर मेरे तरफ, ये कौन है, ये कौन है, हाँ वो, और कहाँ से आए थे, अभी यहाँ कुछ हुआ तो सवाल जवाब कुछ याद है क्या, कुछ याद है क्या, अभी क्या हो रहा था तुम, कुछ भी नहीं, चलो कैमरा लेकर के सामने, ये जो मसला है तो क्या बयान करना, हसद और जलन की वजह से तो अल्लाह ने जन्नत में से शैतान को फेंक दिया था ना जमीन पे, फरिश्तों का सरदार अजाज़ील ने ऐसा कौन सा जमीन का हिस्सा नहीं है, वो ये जमीन का जहाँ पर उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं करा, सजदा और इबादत करने को जैसे उसके मकामात बुलंद होते गए इतने बुलंद हुए कि अल्लाह ने उसको फरिश्तों का सरदार मुकर्रर कर दिया, 70,000 फरिश्ते उसको झुल्ला देते थे, एक मामूली बात, एक मामूली अना, उसको घमंड आ गया, उसको फखर आ गया, और उन्हें क्या बोलते तो अल्लाह के हुक्म की ना फरमानी करा, सजदा कर, अल्लाह को इतनी अदा पसंद है आदम के, आदम के अंदर रूह जब फूके तो आदम के अंदर रूह फूकते ही आदम अलैहि सलाम को छींक गई, और छींकाते ही उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो अल्लाह इतना खुश होगा, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मेरे बंदे को इबादत के लिए बनाया, और वो उसके अंदर रूह फूकते ही पहला ही अल्फाज मेरी इबादत निकली उसके मुंह से, तो इस वास्ते इसको सब सजदा करो, तो पूरे फरिश्तों की सफ़े सजदे में चले गई आदम अलैहि सलाम का, अजाज़ील जो था फरिश्तों का सरदार क्या बोला कि मैं नहीं करूंगा सजदा, मैं क्यों करूं, मैं तो आग से बनाऊं, मैं तो अल्लाह अफजल हूं, 70,000 फरिश्ते मुझे तो झुल्ला देते, मैं फरिश्तों का सरदार हूं, और ये मिट्टी का पुतला आदम क्यों करूं, बोल के नाफरमानी करते ही अल्लाह ने उसको मलून का लकब दे दिया, फिर उसके बाद में क्या हुआ तुम सबको पता है, फिर इब्लीस का लकब मिल के दुनिया में फेंक दिया गया, उसको हर मामला से हर चीज से बेदखल कर दिया गया, शैतान बन गया वो, और जहन्नुम वो उसके साथियाँ, उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले सबके वास्ते जहन्नुम का गढ़ा, जहन्नुम ये सब चीज़ें मुकर्रर कर दी गई, और जहन्नुम की आग जो है तो तुम जहन्नुम के आग को ऐसा समझ रहे होंगे कि लाल या ऐसी आग होंगी जैसा हमारे भट्टी में, हमारे घर में, हमारे चूल्हों में, हमारे फला फला जगह लगे वाली आग ऐसे कलर की आग होंगी, जहन्नुम की आग को कई हजारों साल तक दहकाएगा तो दोजख की आग और जहन्नुम की आग कई हजारों साल तक दहकने के बाद लाल हुई, फिर कई हजारों साल तक दहकाया गया तो फिर सफेद हुई, फिर कई हजारों साल तक दहकाया गया तो जहन्नुम की आग काली रात की तरह है, अंधेरी रात की तरह है। और हदीस शरीफ के अंदर है, हदीस में पढ़ लो कि जहन्नुम की आग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जहन्नुम के आग को सिर्फ सुई की जो नोक रहती, सुई की जो नोक, सुई के नोक के बराबर ढीला लाकर उसका जो भी कोयला जो भी चीज है वो लाकर खाली चिंगारी, वहां की चिंगारी जी बोली ना उसको लाकर अगर दुनिया के बीचों बीच अगर टांग दिया जाए तो उसके तपिश से पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी, इतनी खतरनाक है जहन्नुम। और तुम तो जहन्नुम का ईंधन बन रहे, तुम तो जहन्नुम लिखा के ले रहे अपने हाथों से, अपने तकदीर आमाल के अंदर डाल दे रहे सब बातें, क्या पूछ नहीं होने वाली है, हर वो बात की पूछ होने वाली है, हर वो मामले में पूछ होने वाली है, इसलिए अच्छे अखलाक रखो, क्या दुनिया में आए जिए, कल ना आज नहीं तो कल सबको मरना है, खबर में जाना है, सवाल जवाब तो होना ही बरहक है, और अल्लाह के सामने जब देंगे तो क्या मुंह लेके देंगे, और क्या बोल के तुम सवाल जवाब करेंगे, क्या ऐसे ऐसा बताएंगे कि हम जादू टोना कर रहे थे, उसकी दौलत देख के चिढ़ रहे थे, फला फले का बेटी की खूबसूरती देख के चिड़के कर दिए, फला फला की बेटी का ये देख के चिड़के कर दिए, फला को विश्वास कर दिए, क्या ऐसे बातें बताएंगे तुम, उनके हक पे है क्या, तुम जो जैसा बोलेंगे कि नहीं हमने हक पे वो करे, फिर भी हक पे भी है तो जादूगर के पास जाना सख्त मना है, तुम हक पे तो बद्दुआ करो, दुआ करो, तुम्हारे ऐसे ढाल और ऐसे हथियार दिया अल्लाह ने, दुआ और बद्दुआ, दुआ में और बद्दुआ में वो तासीर रखा अल्लाह ने कि दुआ अगर कर दिए तो तकदीर बदल जाती, अगर बुजुर्गाने दीन ने दुआ कर दिया तुम्हारे वास्ते हाथ उठा के, ओरिजिनल दुआ अल्लाह वालों की, बुजुर्गाने दीन की रहती, तुम्हारे कहाँ की दुआ है, तुम्हारी जबान गीबतों में मुबतला, तुम्हारा दिल दिमाग कितने फसादों में मुबतला में लगे आला है, तो तुम्हारी दुआएं कहाँ से कबूल होंगी, तुम्हारी जबान में कहाँ से तासीर रहेगा, दुआओं का तासीर देखना है तो बुजुर्गाने दीन का तासीर देखो, हजारों साल से जहाँ बारिश अगर नहीं बरस सकती वहां जाके उन्होंने खाली दुआ कर दी तो अल्लाह में बारिश बरसा देता, इतनी बरसा देता कि सबको डुबा देता, और हजारों साल तक जहाँ अनाज नहीं उग सकता वो जमीन पे हरियाली फोड़ देता अल्लाह, क्योंकि बुजुर्गाने दीन के जबानों का तासीर रहता, तुम
तुम क्या बोलते हो, तुम एक साल ही नहीं बन सकते क्या? तुम अगर इबादत करिए तुम्हारे भी जबानों में अल्लाह तासीर देगा ना, मगर तुम तो बिजी है ना इतने फसादों में, जादू टोनों में, शिर्क चाले करने में। शिर्क से बाज आओ, शिर्क से बचो, अल्लाह की पनाह मांगो दज्जाल के फितने से और शिर्क से। आखिरी दौर चल रहा दुनिया का, कयामत के बहुत करीब जा रहे, बहुत करीब चले गए। पढ़ लो तारीख हिस्ट्री किताबें उठा के, तुम कुछ ये समझ में आएगा बात कि तुम अभी 50 साल पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी, जैसा हजारों साल से लोग जीते आ रहे थे वैसे कंदीलों में जी रहे थे लोग। इस 100 साल और ये 50 साल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि जितने बातें कयामत के आसार बता दिए थे, तुम कयामत के करीब चले गए वाले, और फिर भी तुम लोग बेगैरत चाले करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जादू टोने करेंगे तो बहुत गलत बात है। तुम जादूगरों के पास देंगे तो वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ना जादूगर की शफात होने वाली है, ना जादूगर के पास जाने वाली की शफात होने वाली। फिर क्या करेंगे जहन्नुम के अंदर जब मुसलमान चले जाएंगा? तुम लोगों को ये मुगम है कि हम जहन्नुम में जाएंगे, पिशानी पे जहन्नुम की मोहर मार देंगे और जहन्नुम में ढकल देंगे तुम्हारों, मगर वहां से तो कभी ना कभी तो निकलेंगे मोमिन, कभी ना कभी तो मुसलमान निकलेंगे अल्लाह के नबी के सदके तुफैल में। अल्लाह के नबी कभी ना कभी निकाल के लाएंगे उसको, मगर बेगैरत हो तुम पर अगर तुम हमें से नहीं है बोलकर मोहर मार देंगे तो फिर तुम तो लामहदूद चले गए, लामहदूद। फिर तो कोई तुम्हारा जहन्नुम से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी ही नहीं निकालेंगे फिर तुम्हें कौन निकालेगा? अल्लाह के वलिया और अल्लाह के ऐसे भी रहते दास्ताने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि अली और उमर मेरा अवेस आने वाला है, बोले जाके उससे दुआ करा के लेना, कहीं की दुआ करा के लेना। माँ बाप का दौर में ये भी देखा मैंने कि तुम माँ का कदर नहीं कर रहे, बाप की कदर नहीं कर रहे, माँ को गालियां दे रहे, अबे सुधरो, खबर के अंदर कहाँ क्या करेंगे, कैसा भरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि, देखो माँ का भी मर्तबा कैसा रखा इस्लाम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अली और उमर मेरा अवेस जब आएगा तो तुम उसके पास जाना और जाके अपनी मगफिरत की दुआ करा के लेना। तो अवेस हाइट में देखो पढ़ो पता चलता तुमको कि थोड़ा दरमियानी खत था उनका और काले सांवले थे और कैसा कैसा उसमें सब तफसीर में बता रहा, पढ़ो समझ में आता। तो आप बकरियां चरा रहे थे तो वक्त के खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने उमर को वो हुकूमत दिया था अल्लाह ने कि उमर अगर पलट के खाली सूरज को देख लिया तो किरने वापिस लपेट लेता था घबरा के, सूरज ज्यादा तपिश अगर देने लगा तो। भेड़िया और बकरी एक साथ पानी पीते थे कि भेड़िए की मजाल नहीं बकरी पे हमला कर दे, अगर बकरी पे हमला करूंगा तो उमर के दरबार में चले जाएंगे फैसले के वास्ते, बकरी वाला बकरी वो सब लोग बोलकर इतना उन पर जानवरों पर, तो जानवरों पर सूरज पर तक अल्लाह ने ऐसी हुकूमत दिया था उन लोगों। और अली, अली तो क्या है तुमको पता है ना, अली अल्लाह का शेर है अल्लाह ने फरमा दिया। तो ये लोग पहुंचे वहां पर उनके पास में अवेस, तो जब बस पहुंचे और पहुंचने के बाद में अवेस करने जब रहमतुल्लाह ने उनको देखे तो उनके से अवेस के से हाथ उनके से कांपने लगे देख करके। उमर और अली कैसा क्या कौन है पहले पूछो उन्होंने, तो उन्होंने बोले मैं उमर बिन खत्ताब और मैं हजरत अली रज़ी। क्यों वहां से घबरा गया कि वक्त का खलीफा इतना बड़ा चारों खलीफा में से हजरत अली का कितना बड़ा, मतलब हजरत अली भी यहाँ गए, क्यों आए, किस लिए आए? तो बोले मैं तो हम तुमसे दुआ कराने के लिए आए। फिर उन्होंने क्या बोलते तो बोले मैं क्या दुआ करूँ हजरत, तुम लोग इतने बड़े नए नए, बोले कराओ दुआ हम पीछे से हमारे वास्ते हो। जो भी पढ़ो तफसीर में पता चल जाएगा तुमको बाद में। उसके बाद में उमर और अली ने दुआ करा के उसने रसूल अल्लाह ने ये फरमाए थे कि अवेस को अल्लाह ने इस वास्ते उतना बड़ा मर्तबा दिया कि उन्होंने उनकी माँ की खिदमत इतनी करी थी, इतनी करी थी कि जिसके नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जब अवेस, अल्लाह भी फरमाता कि जब अवेस जब उसमें पहुंचेंगे रज़ी अल्लाह तआला कहां पर, जब उन्होंने जन्नत के अंदर दाखिल होंगे पूरे मोमिनीन तो जन्नत के दरवाजे पर उनको रोक दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि उन्होंने घबरा जाएंगे कि मेरे को क्यों रोक दिए, अब मेरे को जान देते कि नहीं जान देते, क्या कोई बात से पकड़े अंदर जो मेरे को डाल देने वाले जहन्नुम की तरफ कुछ। तो अल्लाह फरमाएगा नहीं मेरे वेस, तू जिधर तक तू देखेगा उधर तक तेरी नजर जाएंगी, वहां तक मैं जहन्नुम में जो लोग जा रहे हैं इनको माफ कर दूंगा, तेरी नजर जहां तक जिन जिन के ऊपर पड़ेंगी तो खाली नजर फेरता जा, जितने सफों के ऊपर तेरी नजर पड़ेंगी उतने मोमिन गुनाहगार जो दोजख में जा रहे हैं उनको मैं जन्नत में डाल दूंगा तेरे सदके तुफैल में, पढ़ो ना ये सब तुमको पता चलेगा। तो ये रुतबात, ये मर्तबात ये कैसे मिले थे उनको? ये मर्तबात उनके माँ की खिदमत की वजह से मिले थे, माँ की खिदमत करे थे। उमर बिन खत्ताब, उमर गए थे पढ़ो तारीख में, उमर किसका सर लाने गए थे, क्या बोला था बाप ने जब आए पलट कर, तो बाप नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था, बोले खबरदार खत्ताब अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी मत कर। तो बोले नहीं तेरे को मैंने भेजा था उनका सर लाने और तूने ये क्या कर दिया, और तू जो मुसलमान बन के आगा बोल के कि उमर ने एक ही झटके में तलवार निकाले। और बाप को बोले कि देखो पहले करके समझा कि मत करो शान नबूवत में गुस्ताखी, मत करो वाकई में वो अल्लाह के नबी है, ऐसी मोहब्बत करे वो लोगों ने अल्लाह के नबी से, तुमको इतना बड़ा मर्तबा मिला था उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत अली को, ये सब लोगों को, कि एक ही मिनट में बाप का सर अलग और धड़ अलग कर देते, मार के तलवार बोलते बेअदब नबी के शान में गुस्ताखी करता,
फिर अल्लाह को कैसी अदा पसंद नहीं होगी कि अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दे दिया कि जिस गली से गुजरते थे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो सूरज अगर ज्यादा तपिश देता था तो अपनी किरणें वापस लपेट लेता था और शैतान गली से भाग जाता था। तो ये सब बातें बहुत सारे इबादत और रुतबात भी इबादत के वजह से भी मिलते और कुछ ताजीम के वजह से भी, तुम एहतराम अदब और अखलाक बताएंगे तो उस वजह से भी कुछ आता हो। उनको उमर को इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह के नबी के चाहने के तुफेल में मिला, उन नबी के आशिक रसूल गुलाम थे बोल के अल्लाह ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के सत्य तुफेल में उतना बड़ा मर्तबा दिया था। और उवैस रजी अल्लाह उनको किस लिए इतना बड़ा मर्तबा मिला था, उवैस करने को उनको इसलिए मिला था कि उन्होंने माँ की खिदमत करे थे। ये सब बातों पे अमल करो, ये तुम ऐसी हरकतें करेंगे जादू को ने तुम्हारे बच्चे यकीनन तुम्हारे को लात मारी के पड़े, तुम्हारे जैसा करेंगे दुनिया के अंदर वैसा भरेंगे। दुनिया आईना है, हदीस में बता दिया अल्लाह कि तुम आईने के सामने खड़े रहकर जैसा भी सुलूक करो तुम्हारे साथ सेम वैसा ही सुलूक होगा। इसलिए बेहतर है कि इबादत जो तुम करेंगे ज्यादा से ज्यादा इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो तुम्हारी इबादत तुम्हारे को भटकने नहीं देती, जादूगरों के पास नहीं जान देती, हसद जलन नहीं करने देती किस पे, तुम्हारे को ऐसा नेक सालहीन और बहुत अच्छा इंसान बना के लिख जाती दुनिया से, तुम्हारी दुनिया भी सदसुआ, तुम्हारी दुनिया भी सुधर जाती और तुम्हारी आखिरत भी सवर जाती। और तुम अगर ना मांगे सीख तो वो दर दर मांगे फिर भी। इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और जादूगरों के पास बिल्कुल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, एक तो तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर देते हो ना, दूसरा इतने बदमाश रहते किसी का भला तो नहीं करते, जो उनके आने वाले उनके चेले चपाटे भी उनको भी बर्बाद कर देते हो, यही वो खुद भी बर्बाद हो गया लड़ते हुए। तो इसलिए और अल्लाह वालों के पास जाओ, जादूगर खुद मुवल्लिस खुद बर्बाद हो गया लड़ता जादू टोनों के अंदर वो पीस पीस कर, और अल्लाह वाले बुजुर्ग आने दिन अल्लाह के लव में मिट गया लड़ते। और जो अल्लाह के लव में मिट गया लड़ते उनके दरों पे जाओ तो सही, उनके दामनों के वास्ते देके अल्लाह से मांगो तो सही, फिर देखो तुमको कैसा नहीं सुनता अल्लाह और क्या क्या नहीं अता करता। और बुजुर्ग आने दिन को वली अल्लाह को कभी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि अल्लाह खुलेआम जंग का ऐलान करता तुम्हारे साथ में, नाराज भी नहीं होता, नाराज हुआ तो उसको राजी कर लेंगे, जंग का ऐलान कर दिया तो क्या करेंगे तुम, कहाँ भागेंगे, कैसा बचेंगे। अल्लाह फरमाता हदीस कुद्दुस में आता पढ़ो कि जो मेरे वलियों के बारे में दिल में तिल बराबर भी बुग़्ज़ रखते तो अल्लाह उनसे खुले जंग का ऐलान करता, अल्लाह उनसे खुले जंग का ऐलान करता। वाकई में बुजुर्गाने दीन ऐसे रहते कि उनको तुम कचरा दारो मारो गालिया दो कुछ भी बोलो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बोलते जा अल्लाह तुझे माफ करे दिल का दिल में, इसलिए तो अल्लाह बदला लेता ना। फिर अल्लाह बोलता क्या, मेरे वलियों से बुरा बोलते, मेरे वलियों के रस्ते में कांटे डालते, फिर उनके तरफ से मैं खड़े रहता, मैं हूं उनका वारिस अल्लाह फरमाता और मैं लूंगा उनके तरफ से बदला मैदान में आके, मैं जंग करूंगा। तुमको अगर कोई मारा तुम्हारे रस्ते में कांटे डाले तो तुम तो डालना तो छोड़ दो, तुम उससे पहले एक बुजुर्ग जादू आटो ने करके बर्बाद कर दे रहे। और अल्लाह वाले कैसे रहते बुजुर्गान दीन, उनको तुम कितनी भी जहमत दो उन्होंने बोलते जा अल्लाह तुझे माफ कर दे, क्योंकि उनको मालूम रहता कि क्या है दुनिया चार दिन का फसाना, मगर अल्लाह नहीं छोड़ता, अल्लाह बोलता मैं हूं उनका वारिस। जैसा कि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, तुम्हारे बच्चे को खींच के किसी थप्पड़ मार दिया तो बच्चा रोते हुए घर को आएगा, मगर उसके माँ बाप तो जाके लड़ेंगे ना उसको, उसके क्यों कि उसके पालक है वो, उसको पालने वाले, उसको संभालने वाले। तो वैसा अल्लाह इनका है, वली अल्लाह का और बुजुर्ग आदमी इनका निगहबान, तो बरोबर बदले लेता, बरोबर तारीखें पढ़ो मुसलमानों, आज तुम्हारे को सख्त जरूरत है तारीखें पढ़ने की। तुम्हारे बादशाह लोग जो थे पूरी दुनिया पे जिन्होंने हुकूमत करे मुक्ति भर के मुसलमान रह के, तारीखें तो पढ़ के देखो, तुम्हारे गुमराह कर दिए यहूदियों ने, यहूद और नसारा ने तुमको ऐसा गुमराह कर दिया कि बुजुर्गाने दीन के लाइन से तोड़ा है तुम्हारे, क्यों तोड़ा है, पहले मुट्ठी भर मुसलमान थे मगर अपने पीर अपने बुजुर्गाने दीन की दुआ करा के जंग के मैदान में जाते थे, दुआ कराने के फजीलत से उसकी बरकत से अल्लाह ऐसा नवाजता था कि मुट्ठी भर के रह के जंग के मैदानों में करोड़ों पे फतह मिल जाती थी, लाखों पे भी नहीं, पढ़ो ना तुम तारीख तुम पता करता लाखों को कितने कितने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए थे मुसलमानों ने बुजुर्गाने दीन की दुआ से। और यहूद और नसारा ने सबसे पहले तुम्हारे सामने जाल डाले कि तुम्हारे को दूर करे बुजुर्गाने दीन से, दूर करते गए, क्योंकि सबसे मेन तुम्हारी ढाल और मेन तुम्हारी चीज उनकी दुआएं तो है ना, दुआओं में तो असर रखा ना, अल्लाह क्यों बोले अल्लाह की दुआ मोमिन का हथियार है। और दुआ में कहा बादशाह की दुआ थोड़ी कबूल होंगी, कहा बादशाह की फौज की दुआ थोड़ी कबूल होंगी, वली अल्लाह बुजुर्गाने दीन जोड़ते उनकी दुआ उनके जबानों की तासीर है। पढ़ो ना कहाँ कौन जंग हर रहा था और कब किसके पास जाके दुआ करा के जंग में फतह पाई, बहुत हिस्ट्री भर के पड़े अभी पता चलेगा तुमको, यहाँ की चीज नहीं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ लो उसमें भी है, अल्ताबुल गाजी का भी पढ़ो उसमें पता चलेगा तुमको कहाँ कौन थे इब्नुल अरबी, कैसी आके क्या दुआ कराए, फिर कैसी फतेह दिया अल्लाह ने, क्या क्या सब पता चलता, बहुत सारे राज है। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। समझो मैं तुमको एक कहानी और किस्से नहीं पढ़ाता, मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ, ये सब इसलिए बताता कि तुमको तजुर्बा होना और तुम तजुर्बा होकर खुद होशियार होना, कोई तुम्हारा बेवकूफ़ नहीं बनाना। इसलिए कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे।